नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपसे रूबरू हो सकूं, आज मौका मिला है। और अक्सर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, और कमेंट में एक बात जो देखता हूं कि आप लोग लिखते हैं कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसी है, मेरे साथ ये परेशानियां हैं, मैं इस नौकरी में हूं, मेरी शादी हो चुकी है। पहले भी मैं कितनी बार इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इस पे एक विशेषकर इसी सवाल पे बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये बात है 1954 की। रॉजर बेनिस्टर नाम के एक धावक हुआ करते थे। उसके पहले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि 1865 से ओलंपिक में एक खेल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कि आपको 1 मील दौड़ना होता है, और बहुत सारे धावक और स्प्रिंटर दौड़ रहे थे, लेकिन कभी कोई भी 4 मिनट से कम का समय नहीं ले रहा था। इसीलिए इसके संबंध में जो बड़े बड़े देशों में एक रिसर्च हुआ कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो पाया गया कि जो हमारे शरीर की क्षमता है वो ऐसी, शरीर की बनावट ऐसी है, जो हमारे फेफड़े हैं उनमें सांस लेने की क्षमता ऐसी है कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी को नहीं तय कर सकता है। और इसी धारणा के साथ 80-90 साल तक दौड़ा गया, किसी ने भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। लेकिन 1954 में एक धावक रॉजर बैनिस्टर नाम के थे, जिन्हें इस स्टडी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ऐसी कोई स्टडी है, ऐसी कोई पढ़ाई है, और ऐसा मेडिकली प्रूव किया गया है, और वो दौड़े और उन्होंने 3 मिनट 59 सेकंड में इस रेस को कंप्लीट किया। ऐसा क्यों हुआ जब शरीर की क्षमता नहीं है, मेडिकल साइंस ने प्रूव किया था? ऐसा इसलिए हुआ कि मेडिकल साइंस ने ये नहीं प्रूफ किया था कि हमारी शरीर की क्षमता नहीं है, मेडिकल साइंस से ये प्रूफ हो गया था कि हमारी मानसिक क्षमता नहीं है। हमने अपने आप को ब्लॉक कर लिया था कि हम 4 मिनट से कम में नहीं दौड़ पाएंगे। गलती वही हुई थी। हम अपने जीवन में भी यही काम करते हैं कि हम अपने मेंटल ब्लॉकेज लगा देते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे साथ ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं। होता ऐसा नहीं है। जो एक लाइन है कि असंभव कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो बहुत ही सही लाइन है। सही बात है, असंभव कुछ भी नहीं है। हमें उस सोच को पहले लाना पड़ेगा। आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। अगर आप सोच सकते हैं तो उस चीज को पा सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आज से लगभग 100 साल पहले, लगभग मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, किसी ने सोचा था कि हम अपनी आवाज को तार के माध्यम से, बिजली के तार के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा सकते हैं, और लोगों ने उस पर हंसा, क्या यह संभव है? लेकिन उसने उस चीज को इमेजिन किया और उसने उस चीज को प्रूफ किया। मैं बात कर रहा हूं ग्राहम बेल की। उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया उस समय। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि इंसान हवा में एक मशीन के सहारे उड़ सकता है, और उन्होंने हवाई जहाज बनाया। तब भी लोगों ने उन पर हंसा, उनको पागल घोषित कर दिया गया था। आप पढ़ेंगे उनकी जीवनी तो पाएंगे, लेकिन उन्होंने इमेजिन किया। तो आप कम से कम आज इस चीज़ को इमेजिन करना शुरू करें कि हाँ, मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। आप सरेंडर नहीं करें कि मेरे साथ ये दिक्कत है, ये परेशानी है। देखिए, परेशानियाँ सबके लाइफ में हैं, और बिना परेशानी के कोई भी सफल नहीं हुआ है। वो एक अंडे की कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक चिड़िया ने अंडा दिया घर में, तो बच्चा था वो देख रहा था कि चिड़िया को अंडे से निकलने में बहुत, जो चिड़िया का बच्चा था, बहुत परेशानी हो रही। उसने क्या किया, अंडा उसने तोड़ दिया कि चिड़िया का बच्चा आसानी से निकल जाए। फिर वो चिड़िया का बच्चा निकला, लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाया, क्योंकि जो प्रोसेस होता है अंडे से निकलने में, वो लड़खड़ाते गिरते हुए परेशानी से निकलता है, उसी प्रोसेस में उसके शरीर में जो एनर्जी है वो डेवलप होती है और उड़ पाता है। इसलिए वो जो परेशानियाँ हैं वो आपकी फ्यूल है, वो एनर्जी है जो आपको उड़ने में मदद करेगा, सफल होने में मदद करेगा। इसलिए उसको पॉजिटिव लेके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें कि मेरे साथ ये परेशानियां हैं, ये समस्याएं हैं, कि मैं इन्हीं कारणों से नहीं कर पाता, कर सकता हूं, और बस उसके बाद आप बस जीवन को कोसते रहिए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपने जो चाहा उसको अगर आपने अचीव नहीं किया जीवन में, तो जब आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे होंगे तब आपको एहसास होगा कि काश मैं ये कर लेता, और उस समय सिर्फ काश रहेगा, और वो जो मोक्ष होता है इस जीवन का मोक्ष आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है एक अगला जन्म लेना पड़े मोक्ष पाने के लिए। इसीलिए अपने दिमाग पे कंट्रोल कीजिए, यही हमारा सब कुछ है।
यहीं से सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, बिलीव कीजिए कि मैं अचीव कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप कुछ भी जीवन में पाना चाहते हैं, कुछ भी, इस चीज़ को समझने में भी मुझे बहुत समय लग गया कि हाँ हम कुछ भी कभी भी पा सकते हैं। इसीलिए पहले यहाँ से अपने अपने आप को, जैसे हम मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं, वैसे आप यहाँ से अपने आप को रीस्टार्ट कीजिए। जो भी अभी तक था आपकी सोच और धारणा है उसको आप रख दीजिए, समय लीजिए, एक दिन अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं कर रहे हैं, एक दिन की छुट्टी लीजिए, अपने आप को रीस्टार्ट कीजिए और लग जाइए मेहनत करने में। क्योंकि अगर आप सफल नहीं हो पाए तो वो हमेशा वो टीस अंदर रह जाती है। और जहाँ तक आप समझ रहे हैं कि आप फेलियर हैं और आप में कुछ कमी है, तो शायद सबने 3 Idiots मूवी को देखा है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि आपका जन्म ही करोड़ों की रेस में आप फर्स्ट आए थे तब आपका जन्म हुआ है, तो आप स्पेशल तो वहीं से हैं। आप ऑलरेडी करोड़ों के एक एग्जाम में क्वालिफाई टॉप करके आए हैं, इसीलिए आप कहीं से भी कम नहीं हैं। आप अपने माता पिता के लिए अभी भी बहुत स्पेशल हैं। आप कभी उनसे पूछिए क्या मैं मंद बुद्धि हूँ और क्या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, वो बताएंगे क्या सच्चाई है आपकी। आपने समाज के चीज़ों को देखा और असफल लोगों को देखा और उससे आपने ये धारणा बना ली कि हाँ मैं भी असफल हूँ, मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, और आप उसी धारणा के साथ जी रहे हैं और अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि जो मिला है उसी में खुशियाँ ढूंढना है और वो हमारे बस का नहीं है। ऐसा कतई नहीं है, हर कोई हर चीज़ अचीव कर सकता है। मैं बार बार इस लाइन को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कम से कम आप बिलीव करना शुरू कीजिए। मैंने पहले भी एक बात किया है, बताया था कि बिलीव का मतलब क्या होता है। आप जब होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाने का ऑर्डर देते हैं कि मेरे लिए चावल दाल सब्जी लेते आओ, और उसके बाद जब वेटर चला जाता है तो आप क्या करते हैं उस समय? आप डाउट करते हैं क्या वो खाना लाएगा कि नहीं लाएगा, क्या वो चावल की जगह रोटी ले आएगा, क्या वो दाल लाएगा कि नहीं लाएगा, वो सब्जी जो मैंने बोला है आलू की सब्जी, क्या वो आलू की सब्जी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया अपना तो आप इंतज़ार करते हैं कब मेरा खाना आएगा, और आप टिश्यू पेपर से प्लेट को साफ़ करते हैं, चम्मच को ठीक करते हैं कि जैसे मेरा खाना आएगा मैं शुरू करूँगा। आप कभी भी उस ऑर्डर पर डाउट नहीं करते हैं, इसलिए आपका खाना आता है। तो वैसे ही जीवन में अगर आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे ये चीज़ पाना है, मैं यहाँ सफल होना चाहता हूँ, उसके बाद कभी भी अपने ऑर्डर पे डाउट मत कीजिए। आप बस तैयारी कीजिए उस चीज़ के लिए, जैसे कि प्लेट में टिश्यू पेपर से हम साफ करते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना है, आप लग जाइए। पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है, जितना आपको पढ़ने में करना क्या, आपको किताबों को समझना है। और मैं एक वीडियो बनाने के लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है किताबों को कि आप उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। मैंने पाया है कि बहुत सारे लोगों को किताब कैसे पढ़ते हैं वही तरीका नहीं पता है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो लेके बहुत ही जल्द आऊँगा। और जो लोग लिख रहे हैं मैसेज में कि आर्थिक समस्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 4 से 5 हज़ार में सारी किताबें आ जाती हैं। मैंने बुक लिस्ट कई बार शेयर किया है, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बुक लिस्ट शेयर करूँगा कि आप फिर से कि 4 से 5 हज़ार में आप उन किताबों को खरीद के जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत कीजिए और अचीव कीजिए जो आप चाहना पाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने मनोज मुंतशिर साहब का एक कविता पढ़ी, उसके 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि जो पत्थरों में जुबा ढूंढे हम वो चीज़ है दोस्त, अगर है मर्ज ख्वाब सजाना तो हम मरीज हैं दोस्त। इसलिए ख्वाब सजाइए और उसको पाइए जरूर। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।